नमस्ते आचार्य श्री। आजकल की पीढ़ी सिरदर्द से बहुत परेशान है और सिरदर्द धीरे धीरे बढ़ के माइग्रेन तक पहुंच जाता है। इससे सारे दिन खराब हो जाते हैं। तो हमारे जैन दर्शन में कोई मंत्र है जिससे गोलियों छोड़ के, दवाइयां छोड़ के वो मंत्र के द्वारा अपने सिरदर्द को ठीक कर सके, माइग्रेन को ठीक कर सके, तो इसका उपाय बताइए। किसी भी घर में यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जिसका सर दर्द यदि होना प्रारंभ हो जाए तो उस व्यक्ति को ना तो फिर कोई खाना खाने की इच्छा होती है, ना कुछ शौक करने की इच्छा होती है, ना तो कहां जाने की इच्छा होती है। क्योंकि उस व्यक्ति का जब सर दर्द करता है तो उसे कुछ भी सूझता नहीं है, ना लेटे चैन पड़ता है, ना बैठे चैन पड़ता है, ना चलते चैन पड़ता है। और कभी कभी अपन देखें कि वही सर दर्द कभी कभी माइग्रेन का रूप ले लेता है, और जब माइग्रेन का रूप ले लेता है तो पूरा ऐसा लगता है जैसे सर फट रहा हो, कोई सर पर हथौड़े मार रहा हो। तो ऐसे माइग्रेन जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए बिना दवाई के हम कैसे ठीक करें, तो मंत्र शास्त्रों में आचार्यों ने बहुत सारे मंत्र दिए हैं जिनका ध्यान करने से, जिसकी जाप करने से हम उस बीमारी से छूट सकते हैं। तो क्या माइग्रेन या सर संबंधी कोई भी बीमारी है उससे छूटने का कौन सा पै बीजा अक्षर है जिससे कि हम ठीक हो सके, तो आपको करना क्या है? आप अगर बैठे अकेले शांति से बैठे, यदि आपको लग रहा है कि हल्का सा सरदर्द शुरू होने वाला है, संकेत मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? बिना माला के भी आप जाप कर सकते हैं, या कोई माला लेके जाप कर सकते हैं, मंदिर के वेदी के सामने बैठ के भी जाप कर सकते हैं, या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप उस बीजाक्षर का जाप कर सकते हैं। एक बीजाक्षर, क्योंकि अलग अलग शरीर की जो रचना है उसके लिए अलग अलग बीजाक्षर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो आपको करना क्या है, कौन सा वो मंत्र है? तो आपको मंत्र है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, वो मंत्र है रम। छोटा सा बीजाक्षर, क्या उसका नाम? रम। बस आपको रम 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 इस प्रकार से आपको जाप करना है, ना जल्दबाजी करना है। रम 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 रम, और जब ध्यान करें तो बिल्कुल रम को ऐसा लगे कि आपकी आंखों में बंद आंखें हैं, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी बोर्ड पर रम लिखा हुआ है, वो चमक रहा है। रम रम एक अग्नि अक्षर है, और उस अग्नि अक्षर को आप क्या करना है, देखना है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उस रम में आग लग रही हो, बड़ी बड़ी चिंगारियां निकल रही हैं, और वो क्या करना है आपको उसे देखना है, वो ध्यान है, जैसे मुंह से नहीं बोलना है, सिर्फ आपको आंखों में दिखाई देना चाहिए रम रम में से बहुत अग्नि निकल रही है। रम रम रम, और जब जाप करें मंदिर में बैठ करके, घर में बैठ करके, एकांत में बैठ करके, तो उसको क्या करना है, रीढ़ की हड्डी सीधा करके सीधे बैठना है, और आपको हाथ में जाप तो जाप ले लें, या उंगलियों पर गिनना है उंगलियों पर गिन लें, और मंत्र करना है रम 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 रम। इस बीजाक्षर की जाप करके आप अपने माइग्रेन से, सरदर्द से दूर सकते हैं। और आप ये बात अपने मोहल्ले में, पड़ोसियों को, घर में, परिवार में जो भी इस दर्द से परेशान हो उनका उपचार कर सकते हैं और बाही बाही लूट सकते हैं।